ನಮ್ ಚಾನೆಲ್ ನೋಡೋರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಹಾಕೋ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. नमस्ते बच्चों, तुम सब कुशल है? हाँ, आज तुम सबको हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन की प्रकार के बारे में सुना सकता हूँ. सभी बच्चों, पहले तुम लिख गए सभी वर्णमालों का किताब काट दो. उसमें स्वर और व्यंजन का प्रकार मैं तुमको जानकारी दे सकता हूँ. पहले हिंदी वर्णमाला में स्वर, स्वर में दो प्रकार है, ऋष्व स्वर और दीर्घ स्वर. ऋष्व स्वर में अ, ई, उ, रु. दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ. और एक प्रकार योगवाहक दो है, अनुस्वार अम, विसर्ग आहा. ये बच्चों, तुम सब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देना चाहिए. अब आगे जाएंगे व्यंजन. बच्चों, व्यंजन में दो प्रकार है, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन. बच्चों, वर्गीय व्यंजन में तीन प्रकार है, क, क से म, कचट तप का वर्गीय आता ना, वो वर्गीय व्यंजन है. उसमें तीन प्रकार है, वो है अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक. इन तीन प्रकार के बारे में हम जानकारी देंगे. अल्प प्राण, क, च, ट, त, प. महाप्राण, ख, छ, ठ, ग, ज, ड, द, ब. महाप्राण, घ, ज, ढ, ध, भ. और अनुनासिक, ङ, ञ, ण, न, म. ऐसे वर्गीय व्यंजन में तीन प्रकार हो गए. बच्चों, इसके बारे में तुम सब ज़्यादा ज़्यादा लिख कर और पढ़ कर उसका लाभ उठाना चाहिए. और अवर्गीय व्यंजन में य, र, ल, व, श, श, स और ह, ये अवर्गीय व्यंजन है. और दो उक्षिप्त व्यंजन है, ड और ड के नीचे एक बिंदु आता है, वो उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं. और
एक संयुक्त अक्षर कर चार संयुक्त अक्षर आते हैं, क्ष त्र ज्ञ श्रेय। इसके बारे में हम आगे वाले क्लास में जानकारी देंगे।